बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदी। कैरी सोडा, जी हाँ, कैरी सोडा घर पे बनाना कितना आसान है। जब आप घर से बाहर आप ये एक गिलास बड़ा और एक गिलास छोटा पीने जाएं तो यकीन करिए कि बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो घर पर आप ख़ुद अपने पाक साफ हाथों से बनाइए और अपने बच्चों को रोज़ बना के दीजिए। गर्मी का ये तोड़ है, आजकल गर्मी ज़ोरों शोर पर है, तो रोज़ाना अपने बच्चों को घर पर ये ख़ुद बना कर दीजिए। बनाने का तरीका नहायत ही आसान है, तो आइए हम इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं एक ही कैरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक कैरी से तीन गिलास आसानी के साथ बन जाते हैं। इनको ऊपर का जो छिलका है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने वो उतार लेना है, जो कि कटर की मदद से आसानी के साथ उतर जाता है, आप देख सकते हैं। अब इनके हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो एक ही जो कैरी हमने आपके सामने कटिंग की, उसके छोटे छोटे पीस इस तरह क्यूब्स की सूरत में कटिंग कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पतीले के अंदर आपने वो एक कैरी के तमाम छोटे छोटे पीसेस को डाल देना है और दो गिलास पानी का इस्तेमाल आपने करना है। 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल आपने करना है, क्योंकि खट्टा मीठा कैरी सोडा बनने जा रहा है। 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल करना है। 1/2 टीस्पून काला नमक। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो चुके हैं। हमने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। जब 1 गिलास पानी रह जाएगा और कैरी भी हमारी गल जाएगी, तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको छान रहे हैं कि स्ट्रेनर की मदद से। ऊपर का जितना भी इसका पल्प होगा मोटा मोटा सा, वो साइड पर कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त कैरी का पानी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ापन इसमें आया हुआ है। हमने 2 गिलास पानी आपके सामने शामिल किया था और ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी रह चुका है। अब हमने इसका कैरी सोडा बनाना है। 2 गिलास हमने ले लिए हैं, आइस क्यूब हमने इसमें डाल दी है। दोनों गिलासों में हमने, आप देख सकते हैं कि कितना कितना कैरी का जो पानी था वो रेडी किया है और साथ हम सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। अगर आप एक बार पियेंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार हम ये पिएं। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।